नमस्कार दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दुष्टता क्या लिखा है दुष्टता देखिए द में क्या है छोटी की मात्रा और आधा मूर्धन्य श है जिसको हम लोग पेटकाटा श भी बोलते हैं और ट संयुक्त है ठीक है त दुष्टता उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है अशोक देखिए अशोक अ ये तालब्य श है श में क्या है ओ की मात्रा ऐसे और अशोक देखिए श तीन तरीका का होता है एक तालब्य श होता है एक मूर्धन्य श होता है जिसको पेटकट्टा श बोलते हैं और एक दंत श होता है तीनों श में बिल्कुल बहुत बड़ी अंतर होता है दोस्तों बिल्कुल अंतर होता है बहुत सारे दोस्तों को ऐसे लगता है कि तीनों स एक ही है नहीं दोस्तों तीनों स का अलग अलग उच्चारण होता है अलग अलग उपयोग होता है सब कुछ इस क्लास में मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ इस स्टोरी के माध्यम से और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे जो ये लिखा है ऑफिस तो ये और यहाँ पे एक शब्द लिखा है जहां कुछ से देखिए जहाँ तो लिखा है और जैसे ऑफिस में ऐसे लिखा हुआ है ऐसे ठीक ना तो इसमें और इसमें क्या अंतर है दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है दोनों बिल्कुल अलग है दोस्तों मैं शब्दों के सहायता से आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे मैं सिखाऊंगा दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे अब दोस्तों केवल मैं सिंपल तरीके से आपको स्टोरी नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं आपको कहानी के माध्यम से जितने कठिन कठिन शब्द हैं जितने आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता है जितनी आपकी परेशानियां हैं सबको मैं दूर करने वाला हूं तो मेरा जितना भी रीडिंग वाला क्लास होगा जरूर देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों खूब ध्यान से हम लोग इसको पढ़ते हैं यह एक मोटिवेशनल कहानी भी है और इसमें जितने कठिन कठिन शब्द हैं सबको एक्सप्लेन हम लोग करते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है दुष्टता का फल देखिए ये मूर्धान्य अब थोड़ा सा अंतर हम लोग समझ जाते हैं तीनों में तालब्य शाह मूर्धान्य शाह और दंत शाह में ठीक है थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए मूर्धान्य शाह का उच्चारण मृदा श होता है बोलकर देखिए आप दुष्टता 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 नहीं बोलते कैसे बोलते दुष्टता तो ये अंदर से आवाज यानी मृदा से इसका आवाज निकलता है इस शाह का ठीक है यहां पर देखिए लिखा अशोक अशोक तालब्य शाह इसका उच्चारण तालु से हो रहा होगा अशोक ठीक ना अशोक अशोक नहीं अशोक ठीक ना इस तरीके से हम लोग बोलते हैं उसके बाद देखेंगे यहां पर लिखा ऑफिस कैसे बोलेंगे ऑफिस स, देखिए दांत से इसका उच्चारण हो रहा है तो ये वाला स है ठीक है अब यहाँ पे जो था आपका ये देखिए ये एक मात्रा ही है ऐसे इसका मात्रा लगता है एक आकार और ऊपर ऐसे लगता है इसको ऑफिस कॉल कल देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग कल इसका मैं लिखने वाला क्लास कराया हूँ मैं लिखवा लिखवा कर प्रैक्टिस कराया हूँ इसी चैनल पर लिखने वाला क्लास में जरूर देखिए सब कुछ मैं एक एक संयुक्त व्यंजन ये वाला सब कुछ मैं लिखने वाला मैं कराया हूँ ठीक है दोस्तों तो वहाँ से आप देख कर इसको क्लियर कर सकते हैं बहुत सारे शब्दों को मैं वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ तो ये अलग ही मात्रा है औ की मात्रा है और यहां पे जो जहां लिखा था ये चंद्र बिंदु की मात्रा है इसका भी मैं क्लास करा दिया हूं चंद्र बिंदु की मात्रा है ठीक है चलिए तो क्या है यह कहानी दोस्तों अशोक और विनय क्या लिखा है विनय विनय नहीं बहुत सारे दोस्त इसको विनय बोल देते हैं विनय लिखा रहता तो ऐसे लिखता बी देखिए व और ब में माइनर अंतर होता है यहाँ पे देखिए व और ब ब में ऐसे पेट कटा हुआ रहता है जबकि सेम ऐसे ही व बना हुआ रहता है लेकिन उच्चारण में बहुत बड़ा अंतर होता है लिखावट में थोड़ी सी अंतर है क्या कि यहाँ पे केवल एक काट दिया है तो ये व हो गया और ब हो गया सिमिलर लगता है आपको प्रोनाउंसिएशन लेकिन अलग है व ब देखिए ब ब पूरा आपका ओठ सटेगा व बोलिएगा तो ओठ नहीं सटेगा व लेकिन ब बोलिएगा तो बा, बोल कर देखिए ठीक ना तो यहां पे क्या बोलेंगे विनय क्या बोलेंगे विनय एक ही ऑफिस में काम करते थे अशोक और विनय एक ही ऑफिस में काम करते थे दोनों में मित्रता कैसे पढ़ेंगे मित्रता भी थी दोनों में मित्रता भी थी परंतु काम और बुद्धिमानी क्या लिखा है बुद्धिमानी देखिए बु इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं अपने तरीके से ऐसे बुद्धिमानी यानी द और ध को एक साथ संयुक्त करके ऐसे हम लोग लिख लेते हैं जबकि यहाँ पे द आधा है ध पूरा है ऐसे अलग अलग करके लिखा हुआ है ठीक ना तो क्या पढ़ते हैं बुद्धिमानी के मामले में विनय जहा होशियार कैसे पढ़ेंगे होशियार था वहीं अशोक की कामचोरी और सहयोगियों कैसे पढ़ेंगे सहयोगियों के प्रति जलन से सभी वाकिफ थे सहयोगी के प्रति जलन से सभी वाकिफ थे एक तरफ अशोक जहां स्वयं काम से जी चुराता था एक तरफ अशोक जहां स्वयं काम से जी चुराता था वहीं दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए वह हमेशा साजिशें रस्ता रहता था वह हमेशा साजिशें रस्ता रहता था विनय से दोस्ती होने के बावजूद विनय से दोस्ती होने के बावजूद वह उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता विनय से मतलब दोस्ती होने के बावजूद भी उसको हमेशा नीचा दिखाने का कोशिश करते रहता ऐसे आप लोगों के साथ होता है कि नहीं दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए परंतु विनय सब कुछ जानते हुए भी अशोक की हरकतों को नजरअंदाज कर देता था उसके हरकतों को नजरअंदाज कर देता था ऑफिस में आए दिन अशोक की हरकतों से सभी कर्मचारी परेशान रहते थे सभी कर्मचारी परेशान रहते थे एक दिन तब हद हो गई जब ऑफिस के खाते में गड़बड़ी पाई गई एक दिन हद हो गई कब हद हो गई जब ऑफिस के खाते में गड़बड़ी पाई गई अशोक और विनय ऑफिस में कंपनी का हिसाब किताब रखने वाले लेखा विभाग में कार्यरत थे लेखा विभाग में क्या थे कार्यरत थे विनय की बुद्धिमता और उसकी ईमानदारी को देखते हुए कंपनी ने लेखा जोखा का भार उसे सौंपा था लेखा जोखा का भार उसे सौंपा था विनय सुलझे हुए तरीके से अपनी जिम्मेदारी क्या पढ़ेंगे जिम्मेदारी को विनय सुलझे हुए तरीके से अपने जिम्मेदारी को निभा भी रहा था क्या कर रहा था अपने जिम्मेदारी को निभा भी रहा था सभी उसके कामों की तारीफ भी करते थे सभी उसके कामों की तारीफ भी करते थे यही बात विनय के कनिष्ठ देखिए यहाँ पे क्या है? वही वाला शाह है जो ऊपर मिला था दुष्टता में कनिष्ठ के तौर पर काम कर रहे अशोक को नागवार लगती थी अशोक को क्या लगती थी नागवार लगती थी दुष्टता में वह विनय को बदनाम करने के लिए साजिशें रचता रहता था विनय को बदनाम करने की कोशिशें तो उसने कई बार की थी परंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी अंततः एक, एक दिन ऐसा आया कि अशोक की दुष्ट कारगुजारी की वजह से विनय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया दरअसल ऑफिस के हिसाब में पचास हजार रुपये की गड़बड़ी पाई गई ऑफिस के हिसाब में पचास हजार रुपये की गड़बड़ी पाई गई पैसे के गड़बड़ी की खबर से पूरे ऑफिस में हंगामा मच। गया पैसे के गड़बड़ी की खबर से पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया जांच में पता चला कि लेखा विभाग में छोटे खर्चों के लिए रखे गए रकम में से पचास हजार रुपये चुराए गए हैं शक की सुई सीधे तौर पर विनय पर गई विनय के लाख सफाई के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उसके तर्क को नकारते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया उसके तर्क को नकारते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया जबकि पैसों के गबन की हकीकत कुछ और थी पैसे अशोक ने चुराए थे विनय भी इस बात को जानता था परंतु कोई सबूत न होने के कारण वह अशोक को दोषी ठहराने में असमर्थ था अशोक को दोषी ठहराने में असमर्थ था इधर अशोक अपने मंसूबे को पूरा होने पर मन ही मन खुश था इधर जो अशोक था अपने मंसूबे को के पूरा होने पर मन ही मन खुश था अब जैसा कि संभावित था पैसों के गबन में एक बार सफल होने के बाद अशोक की हिम्मत बढ़ गई उसने देखा कि चोरी तो उसने की थी परंतु फंसा तो विनय और सजा भी उसे भुगतनी पड़ी वह एक बार फिर से पैसों पैसे चोरी करने की योजना बनाने लगा एक बार फिर वो पैसे चोरी करने की योजना बनाने लगा परंतु उसे यह पता नहीं था कि ऑफिस के अन्य सभी कर्मचारी विनय वाली घटना के बाद से सतर्क हो गए थे उसे सतर्क हो गए थे इसकी वजह थी कि कोई भी कर्मचारी विनय को दोषी मानने को तैयार नहीं था सभी को लगभग अशोक पर ही शक था सभी को लगभग अशोक पर ही शक था इसी शक के मद्देनजर सभी की नजरें हमेशा अशोक की गतिविधियों पर लगी रहती थी अशोक की गतिविधियों पर सभी की नजर लगी रहती थी परंतु दुष्ट अशोक को अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व था और वह परंतु जो दुष्ट अशोक था उसको अपने चलाकी पर बड़ा गर्व था और वह छिपी नजरों की जासूसी से, से, से पैसे चुराने की जुगत में लगे रहे अशोक को आज मौका मिला था लेखा विभाग के प्रमुख को अचानक एक इमरजेंसी होन आने के कारण कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा जल्दबाजी में वह नगद वाले अलमारी की चाबी अपने टेबल पर ही भूल गए अशोक की नजरें उस चाबी पर गड़ी रही वह लंच के समय का इंतजार बेसब्री से करने लगा वह लंच के समय का इंतजार बेसब्री से करने लगा उसे डर था कि कहीं बड़े बाबू लंच से पहले वापस ना आ जाए कुछ समय पश्चात लंच का समय आया और लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लंच के लिए बाहर जाने लगे परंतु अशोक वहीं अपनी कुर्सी पर जमा रहा एक सहयोगी के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह लंच करने बाहर नहीं जाएगा अशोक के व्यवहार पर अन्य कर्मचारियों को शक हो गया था अशोक के व्यवहार पर अन्य कर्मचारियों को शक हो गया था अंततः सभी ने फैसला किया कि आज अशोक पर विशेष नज़र रखी जाए उसकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया गया सभी कर्मचारियों ने लंच के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम त्याग कर और वहीं कमरे के बाहर छिपकर अशोक की निगरानी शुरू कर दी कुछ देर तक तो अशोक अपनी कुर्सी पर बैठा रहा कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अब सभी बाहर चले गए हैं तो उसने निश्चित होकर बड़े बाबू के टेबल पर निश्चिंत होकर कहा गया बड़े बाबू के टेबल पर रखी चाबी उठाई और अलमीरा खोल कर वहां रखी पूरी नकदी को उठा लिया महीना का अंत होने के कारण आज नकदी कम थी उसने झटपट नकदी निकाली और आलमीरा को बंद कर नकदी को अपने टेबल के दराज नकदी जो था अपने टेबल के दराज में रखे फाइलों के नीचे दबा दिया किसी को शक ना हो इसलिए चावी को बड़े बाबू के टेबल के दराज में डालकर उसने एक लंबी सांस ली और घबराहट में माथे से टपक रहे पसीने को पहुंचकर अपनी कुर्सी पर इतमान से आकर बैठ गया इतमीन से आकर बैठ गया उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया जा रहा है कुछ समय बाद लंच का वक्त खत्म हो गया और सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए इस दौरान लेखा विभाग के बड़े बाबू भी लौट चुके थे सभी शांत भाव से अपने काम में जुट गए परंतु अशोक के चेहरे पर घबराहट और तनाव के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे बड़े बाबू को याद आ गया था कि आलमीरा की चाबी वे टेबल पर ही भूल आए हैं इसलिए आते ही पहले तो उन्होंने चाबी खोजनी शुरू की आते ही पहले उसने चाबी खोजनी शुरू की इधर उधर खोजने के बाद जब उन्होंने दराज खोला तो उन्हें चाबी वहीं पड़ी हुई मिली चाबी मिलने पर उन्हें शकून मिला और फिर से वे नकदी रखने वाले अलमीरा की ओर बढ़े बड़े बाबू की हरकतों को अशोक नजरों से देख रहा था जब उसने देखा कि वे आलमीरा तो धड़कने बड़े बाबू चीख पड़े पैसा कहाँ गया अलमीरा खोलते ही बड़े बाबू चीख पड़े पैसा कहाँ गया? गया बड़े बाबू की चीख सुनते ही सभी कर्मचारी अपनी जगहों से उठकर उस ओर भागे सभी ने देखा कि अलमीरा में नकदी नहीं है सभी ने देखा कि अलमीरा में नकदी नहीं है एक बार फिर से पूरे ऑफिस में कोहराम मच गया डर के मारे बड़े बाबू की आंखों में आंसू आ गए थे उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया इसी बीच कंपनी के मालिक भी वहां आ गए और बड़े बाबू से बोले कि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं और केवल हम नहीं बल्कि सभी लोग जानते हैं कि चोरी किसने की है आपसे पहले चोरी की जानकारी मेरे पास पहुंच चुकी है और वह भी सबूत के साथ वह भी कैसे सबूत के साथ हमने पुलिस को भी बुला लिया है फिर भी मैं एक मौका उसको देना चाहता हूँ जिसने चोरी की है अगर वह स्वयं स्वीकार कर लेगा तो उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा इतना सुनते ही अशोक परेशान हो उठा और धीरे से खिसकते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा उसे नहीं पता था कि सबकी निगाहें उसी के ऊपर हैं। जैसे ही अशोक दरवाजे की ओर लपका एक कर्मचारी ने उसका जैसे ही अशोक दरवाजे की ओर लपका एक कर्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया इसी बीच पुलिस भी वहां आ गई थी कंपनी के मालिक ने अशोक के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज सभी को अशोक की दुष्ट प्रवृत्ति के कारण जैसे होनहार कर्मचारी को खोने का दुख हो रहा था परंतु सभी को खुशी इस बात की थी कि अशोक को उसके किए का फल मिल गया और आगे से उसकी दुष्टता का शिकार ऑफिस में किसी और को नहीं होना पड़ेगा ऑफिस में किसी और को नहीं होना पड़ेगा इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के प्रति दुष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी को दुख जरूर पहुंचाता है परंतु एक ऐसा वक्त आता है जब उसके कर्म की ही उस पर भारी पड़ते हैं अशोक ने विनय के प्रति दुष्टता रखी परिणाम स्वरूप विनय को अपमानित होकर नौकरी से जाना पड़ा परिणाम स्वरूप विनय को अपमानित होकर नौकरी से जाना पड़ा यह ईमानदार और शरीफ आदमी के लिए एक बार का दुख था परंतु अशोक जैसे दुष्ट आदमी को अपने किए के लिए हवालात की सैर करनी पड़ी यह उसके लिए जीवन भर का कलंक बन गया दुष्टता का फल इससे बड़ा और क्या हो सकता है दुष्टता का फल इससे बड़ा और क्या हो सकता है तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए कि तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में जय हिंद